हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा त्यौहार और तथ्य नहीं है जहां पर बिना वैज्ञानिक और प्रमाणिक पौराणिक तथ्य के वो मनाया जाता हो। ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण मकर संक्रांति की कहानी है। एक समय की बात है जब मृतलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था, राजा भी बहुत दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहता। हरिदास एक तपस्वी था। उसका विवाह गुणवंती नामक कन्या से हुआ जो कि बहुत ही सुशील और धर्मवती पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत और दान पुण्य करते हुए धर्मार्थ कार्य किया। इसके अलावा घर आए मेहमान की सेवा को अपना धर्म मानती। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वो दोनों वृद्ध हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए, यानी यमपुरी की राजधानी। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विद्वान थे। उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास ही सभी प्राणियों की कुंडली यानी पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहाँ यमदूत गुणवंती को लेकर पहुँचे। गुणवंती को देखकर वो भयभीत हुए और मुंह नीचे कर खड़े हो गए। गुणवंती भी ऐसे ही भयभीत होकर मुंह को नीचे करके वहीं खड़ी रही। चित्रगुप्त ने गुणवंती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को पाप पुण्य का लेखा जोखा बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और प्रसन्न हुए। फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवंती ने यमराज से पूछ लिया, हे प्रभु, मैंने तो सत्कर्म ही किए हैं, भूल से भी कोई भी पाप कर्म नहीं किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी कैसी है? इसका कारण क्या है? कृपया करके मेरे लिए बताएं, मुझे ऐसा अवश्य बताएं। प्रभु, मुझसे अनजाने में क्या भूल हो गई है? धर्मराज ने उत्तर में गुणवंती से कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मैं जानती भी नहीं आपकी उपासना कैसे की जाती है। कृपया करके मुझे वह उपासना बताइए जिससे प्रभु सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। यह सुनकर गुणवंती ने राजा धर्मराज से क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं आपकी उपासना को नहीं जानती थी, कृपया करके वो उपाय बताएं जिस विधि से आपकी उपासना करने से आप सभी मनुष्य पर कृपा बरसाते हुए कल्याण कर सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है मृत्युलोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊँ। धर्मराज ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना और उस दिन से लेकर पूरे एक वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनाना और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन पांच नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। पहला नियम है संतुष्ट रहना यानी धीरज रखना। दूसरा नियम है अपने मन को अपने वश में रखना और सभी के अपराधों को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना, ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित करना। चौथा नियम है मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पुरुष एवं स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम है बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी बुद्धि को पवित्र रखना। अगर गलती से आते हैं तो ध्यान सत्कर्म में लगाओ, वो हट जाएंगे। सातवां नियम
पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। आठवा नियम व्रत करना, व्रत की कहानी सुनाना। नौवा नियम सच बोलना एवं सभी से अच्छा खासा व्यवहार करना। दसवा अंतिम नियम है क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें, अगले मकर संक्रांति पर इसी व्रत का उद्यापन करें, अपने सामर्थ्य से श्रद्धा के साथ मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा अगर हो सके तो करवाएं, हवन पूजन साथ में चित्रगुप्त की भी पूजा एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोग करवाएं, बांस की टोकरी में 5 शेर अनाज का दान, इसके अलावा गरीबों या ज़रूरतमंद को दान करें, तकिया गदा कम्बल 56 लोटा 9 वस्त्र आदि का दान हो सके तो गौदान भी करें। धर्मराज से व्रत की कथा सुनकर गुणवंती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु आप इस बारे पर कहें। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवंती ने विनती की, हे प्रभु मुझे फिर से मृतलोक में जाने की इजाज़त दीजिए जिससे मैं आपके व्रत को करूं, इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवंती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हो गए। गुणवंती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा, हम यह व्रत अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवंती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्त हुई। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। बोलो धर्मराज की जय। मकर संक्रांति को इस कथा का विशेष महत्व है। जो भी इस कथा को पढ़े सुने और दूसरे तक पहुँचाए, भगवान उसकी झोलियों को खुशियों से भर दे। ओम नमः।